सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। करीब 3 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नगर परिषद के नए भवन का प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने पूजा अर्चना कर व नींव का पत्थर रखकर शिलान्यास किया है। उसके बाद मंत्री मेघवाल ने शिलापट का अनावरण भी किया। नगर परिषद के एनके लोहिया स्टेडियम परिसर में आयोजित हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मास्टर मोहनलाल मेघवाल ने कहा कि नगर परिषद का भवन काफी जर्जर हो गया था और वर्षों से शहर की यह जरूरत थी, तो यह शहरवासियों के लिए खुशखबरी है कि अब इसका निर्माण कार्य वो शुरू हो पाएगा। मेघवाल ने लोहिया स्टेडियम का विकास किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं मेघवाल ने कहा कि जल्द ही रियायत के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे और शहर में एलईडी लाइट्स की जो कमी चल रही है उसे भी दूर किया जाएगा। उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने शहर में रोशनी के लिए एलईडी लाइटों के टेंडर के लिए डीएलबी से अनुमति दिलवाने, आवेदकों को पट्टी जारी करवाने की मांग मंत्री से की। वहीं सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी ने कहा कि गांधी चौक को एक आदर्श चौक के रूप में विकसित करने का कार्य मंत्री जी के सानिध्य में किया जाएगा। आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने बताया कि 309 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन में 21 कमरे होंगे, जबकि एक सभा भवन 55x40 फीट का बनेगा। कार्यक्रम में प्रधान गणेश ढाका, उपखंड अधिकारी रतन कुमार स्वामी, तहसीलदार अमर सिंह, विकास अधिकारी किशोर कुमार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सविता राठी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, रामावतार शर्मा भी मंचस्त्री अतिथियों का स्वागत पार्षद इकबाल खान, एन दिलीप सिंह, भवनलाल मेहड़ा, लोकेश जांगिड़, दाऊद काजी, महावीर मंडा, उषा बगड़ा, मधु बागरेचा, पवन स्वामी, गौतम पारिक, मुनालाल मीणा, तिलोकचंद, जयकरण गुजर आदि ने माल्यार्पण कर व साफा पहना कर किया। दूसरी ओर कार्यक्रम में उपप्रधान दीवानी सिंह बानीश्रिया, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, मोहम्मद इदरीश कोरी, रामनारायण प्रजापत, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, नसराम फलवाड़िया, बाबूलाल दुगड़, धर्मेंद्र कीलका सहित अनेक लोगों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शंकरलाल सामरिया, गिरधरलाल भोजक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं संचालन पार्षद अमित मारुठिया ने किया। दूसरी ओर स्वागत समारोह के दौरान कई कांग्रेस नेता अपना नाम खुद ही बुलाकर माल्यार्पण करते देखे गए। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम में और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजान। पिछले कई सालों से नगर परिषद भवन बनाने के लिए जब से भाई हाजी सिकंदर अली खिलजी सभापति बने और कांग्रेस की नगर परिषद बनी तो सारे पार्षदों की एक ही राय थी कि हमें एक नगर परिषद का नया भवन बनाया जाए। काफ़ी समय लग गया, समय लगता गया, टेंडर कैंसिल होते गए, कभी कोई आया नहीं, कभी टेंडर कैंसिल हो गए, कभी गलती हो गई। 2 साल से लगातार प्रयत्न करने के बाद अंततः अभी टेंडर जारी हो गए, ठेकेदार को ठेका मिल गया। 3 करोड़ 9 लाख रुपये का ठेका है, भव्य भवन बनेगा, पानी बिजली हॉल सब प्रकार की इसमें व्यवस्थाएँ होगी, शानदार हॉल जिसे कहते हैं वो बनेगा, शानदार भवन मिलेगा और नगर परिषद के अंदर हमारे जो पार्षद हैं, और मुझे तो उम्मीद है कि हालांकि 18 महीने का समय है लेकिन 10 महीने से पहले पहले कर देगा, 8 महीने में करके तैयार कर देगा ताकि वर्तमान जो अभी नगर परिषद है उसको एक बार कम से कम मीटिंग करने का मौका मिल जाए। गांधी चौक के विकास की क्या योजना हुई? गांधी चौक के विकास की हम इसका भी आर्किटेक्ट को बुलाकर इसके पूरे का नक्शा बनाएंगे। नक्शा बनाने के बाद आर्किटेक्ट किस प्रकार की बात कहना चाहेगा उसके बाद ही कोई बात करेंगे।